हाय गाइस, तो बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ, मतलब व्लॉग बना रहा हूँ। काफी लोगों ने मुझे बोला कि इतने दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। वीडियोस के प्लान्स तो चल रहे हैं, कुछ वीडियो शूट करके भी रखे हैं, बस एडिट होके आने बाकी है। लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि गणेश चतुर्थी अभी है और हर गणेश चतुर्थी को हम लोग पुणे के जो गणपति है वो देखने जाते हैं। जैसे दगड़ूशेठ है जो मेन गणपति है पुणे का सबसे बड़ा, इसको लोग दूर दूर से विजिट करने आते हैं। ये सब हम लोग जाके देखते हैं फैमिली एक साथ। तो मैंने सोचा कि चलो इसी पर एक व्लॉग बना ले ताकि एक वीडियो भी आ जाएगा। और मैं आपको घर का गणपति दिखा देता हूँ, पहले बाहर जाने से पहले घर का दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले घर का डेकोरेशन भी इस साल कैसा हुआ है। क्योंकि इस बार बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है और पूरा इको फ्रेंडली डेकोरेशन है, मेरे पापा ने किया है, मैंने इसमें कुछ हेल्प नहीं किया। हालांकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग पेंटिंग बहुत किया करता था पहले, बट मैं कुछ काम से बिजी था तो पापा ने पूरा मतलब एक महीना लगा के उसे बनाया है। तो ये देख लो हमारे घर का डेकोरेशन। तो हो गया इस साल का गणपति देख के, और फैमिली के साथ गणेश चतुर्थी को गणपति फेस्टिवल देखना और बाहर जाके एंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है। क्राउड बहुत था तो मैं DSLR नहीं ले गया था, मैंने पूरा शूट मोबाइल से ही किया इस बार, तो पता नहीं कितना अच्छे से कवर हुआ है, लेकिन आई होप बहुत अच्छे से पूरी जर्नी आपको दिख गई होगी। और गणपति फेस्टिवल जब भी आप पुणे में आते हो बहुत अच्छा होता है। हम लोग जो हर साल जाते हैं, जो गणपति टेम्पल्स को विजिट करते हैं या मंडल्स को विजिट करते हैं, मैंने कोशिश की कि वो आपको दिखाऊं। तो बस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे भी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बता देना। और अगर आप पुणे के बाहर हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि पुणे में गणेश चतुर्थी को क्या क्या होता है। तो ये चैनल है व्लॉगिंग का जिसपे मैं व्लॉग्स डालता हूँ। ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाऊं। सो बस ऐसे ही प्यार देते रहना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।